फ्रेंड्स, तो चनन कृष्ण बागुल फ्रेंड्स, मैं इस किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उस अप्रतिम किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, ये किताब जो हमें विश्वास दिलाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। सक्सेस मिलती विश्वास से, बस आप अपने सबकॉन्शियस मन विश्वास करें और विचार पे और थॉट्स पे एक्शन ले तो आप जिंदगी में जीत सकते हैं। डिफेंस, प्राचीन काल में मानसिक उपचार कैसे किए जाते थे? युगों युगों से हर महाद्वीप परिवेश और संस्कृति के लोगों जानते थे कि कहीं न कहीं एक उपचारक शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक एबिलिटी कैपेबिलिटी को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और उसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाते हैं। सभी देशों सभी नेशन के इतिहास पर इस विश्वास की पुष्टि करते हैं। दुनिया के शुरुआती इतिहास के मनुष्य का भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का उपचार भी शामिल था, पुजारियों और धर्मगुरुओं तक ही सीमित था। ये दावा किया जाता है कि ईश्वर ने उन्हें कुछ ही विशेष शक्तियाँ दी है जिन्हें उपचारक शक्ति भी हासिल थी। उपचारक के तरीके और कर्मकांड दुनिया भर में अलग अलग थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्र का प्रयोग, तावीजों जंतर अंगूठियों स्मृति चिन्ह और तस्वीरों का प्रयोग भी किया जाता था। उदाहरण के लिए, प्राचीन मंदिर में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उनके मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे। मरीजों को आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखने लगेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह के बहुत से रोगी स्वस्थ भी हुए। हिकेट के भक्तों के से हिकेट जो है दोस्तों के भक्तों से कहा गया कि राल लोबान और जो दोस्तों छिपकलियों के साथ मिलाकर दूज के चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटे। इससे अजीब और रहस्यमय रस्म के बाद ये वो देवी की प्रार्थना करते थे, अपना बनाया हुआ काढ़ा पीते थे और वो सो जाते थे। अगर उनकी आस्था दृढ़ होती, संकल्प दृढ़ होता तो उन्हें अपने में देवी नजर आती थी। हालांकि ये अनुष्ठान हमें अजीब संभवता अति कल्पनाशील भी लगे, लेकिन इसके बावजूद इससे अक्सर रोग ठीक हो जाते थे। प्राचीन समय के लोगों ने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की अविश्वसनीय अमेजिंग शक्ति के दौरान दोस्तों दोहन करके कई कारगर तरीके खोज लिए थे। इनसे भी उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि मानते थे कि ये तरीके कारगर थे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ये कैसे या क्यों कारगर थे। आज हम देख सकते हैं कि अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को सशक्त सुझाव देने के उपचार कर रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान और काढ़े तथा तावीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डाल देते हैं। उनके कारण उनका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड उपचारक के प्रबल सुझावों विचारों को आसानी से स्वीकार कर लेता था। दोस्तों, बस उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था। सभी युगों में ऐसा हुआ है दोस्तों कि ये जहां अधिकृत उपचारक असफल हो गए और मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी, वहां अनधिकृत उपचारों को उल्लेखनीय सफलता मिली। ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के सभी हिस्सों में इन उपचारों ने ये इलाज कैसे किए। इसका जवाब आसान है। ये उपचार इसलिए हुए क्योंकि रोगी के अंधविश्वास ब्लाइंड फेथ ने उनके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को मुक्त कर दिया। उपचारक दोस्तों उपचारों के इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील है और अजीब होते हैं, उस बात को इतनी ही ज़्यादा संभावना थी कि रोगी ये यकीन कर ले कि इतने अजीब चीज़ निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली होगी। डिफेंस उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव के स्वीकार करना आसानी हो जाता था। इस विषय पर हमें अगले चैप्टर में विस्तार से बात करेंगे। फ्रेंड्स, अवचेतन शक्तियों के प्रयोग के बाइबल प्रसंग
जिन चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, समय ये विश्वास करे कि आपको मिल रही है और आपको मिल जाएंगे। डिफेंस और मिल रही है वर्तमान काल में, लेकिन मिल जाएंगी भविष्य काल में ही। प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे अंतर से बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अगर हम इस तथ्य को सच मान लेते और स्वीकार कर लेते कि हमारी इच्छा वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, तो वह भविष्य में अवश्य पूरी होगी। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है दोस्तों कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए सचमुच मौजूद मानना होगा। डिफेंस ये गुण शब्द विचार, ये रहस्यमय विचार की रचनात्मक शक्ति का प्रयोग द्वारा अवचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड मनचाही चीज की छाप छोड़ने की संक्षिप्त और विशिष्ट तरीके सुझाते हैं। आपका विचार, आपके थॉट्स, प्लानिंग्स, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ में हाथ या हृदय। योर फ्रेंड्स, बाइबल के इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन परिस्थितियों स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज के सारे विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। आप अपने मन में एक बीज अवधारणा बो रहे हैं जिसे अगर आप ज्यों का त्यों छोड़ दे तो ये हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। डिफेंस हम कह सकते हैं, मान सकते हैं, आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। अगर आप जमीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं तो आप आस्था रखें कि आपको उस चीज का फल मिलेगा जिसका भी बीज आपने बोया है। दोस्तों ये बीजों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं कि आपका बीज का वही फल मिलेगा। डिफेंस सोचने का तरीका ही है। आप ये हो सकता है कि हम पॉजिटिव थिंक रखें, मानसिक नजरे अच्छा रखें, मानसिक आंतरिक निश्चय करें। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं वो आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उसे सच मान लेता ले सकता है जिसकी आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियों अस्वीकार करती है। ये अपने छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात जो है डिफेंस सुनने में से इनकार करना है। ये तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नजरिया रखना है। डिफेंस थैंक यू वेरी मच। विश्वास रखें और आगे बढ़े और जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।